हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं अपने फ़ोन पर हम फिंगरप्रिंट कैसे लगा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये वीवो का फ़ोन है जो कि वीवो T1 है, आप देख सकते हैं। और सबसे पहले आपको जाना होगा सेटिंग पर, तो क्लिक कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इस पर पहले ओपन कर लेता हूँ और फिर सेटिंग पर क्लिक करेंगे। सेटिंग पर क्लिक करते ही आपको ये इस तरीके से आइकन शो हो जाएगा और आपको इसको ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको दिखा रहा है सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको ये इस तरीके से आइकन शो करेगा और आपको यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है फिंगरप्रिंट, तो फिंगरप्रिंट पर हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करते ही आपको यहाँ पर पहले अपना पासवर्ड डालना है, जो कि आपका पासवर्ड है, आप डाल सकते हैं अपना, जो कि आपके लोकेशन पर लगा हुआ है। लगते ही आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर फिंगरप्रिंट लगाना है, क्योंकि पीछे कोई फिंगरप्रिंट नहीं दिया गया है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर इसको पहले स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट करते अब यहाँ पर अपना जो है फिंगरप्रिंट लगाएंगे इस तरीके से। जैसे ये लाइनिंग आ रही है फ्रेंड्स, ये जब पूरी हो जाएंगी, यानी कि ये जो गोल सर्कल आ रहा है ये जब पूरा हो जाएगा तो ये आपका जो है फिंगरप्रिंट जो है वो लग जाएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, तो ये जब पूरा हो जाएगा, ये हो गया फ्रेंड्स, ये डन हो गया। तो मैं यहाँ से इसे डन कर देता हूँ। डन करते ही आपका जो फिंगरप्रिंट है वो डन हो गया और यहाँ पर आपको दिखा रहा है फिंगरप्रिंट जो वन है, वन फिंगरप्रिंट लग चुका है। और ये नीचे आपको दिखा रहा है फिंगरप्रिंट ऐड फिंगरप्रिंट, तो ऐड फिंगरप्रिंट में हम दूसरी फिंगरप्रिंट भी अपनी ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और आप देख सकते हैं जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरा फिंगरप्रिंट लॉक है तो ये खुल जाएगा इस प्रकार से। आप देख सकते हैं मैं दूसरे हाथ से इसे ऑफ कर देता हूँ और इस हाथ से लगाऊंगा तो ये अपने आप खुल जाएगा, इसको मुझे दबाने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।